हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। हेरिटेज भारत टीम आपका स्वागत करती है। हम यहाँ बात करते हैं भारत से जुड़ी कल्चर, फेस्टिवल और फूड के बारे में। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें, क्या पता आज आप कोई नई बात सीख लें। और हाँ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में। वैसे तो सबको पता है कि नवरात्रि को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नव और रात्रि, जिसे हम नौ रातों तक सेलिब्रेट करते हैं। नवरात्रि को हर साल शरद ऋतु में मनाया जाता है। ये अलग अलग कारणों से अलग अलग रीजन्स में मनाया जाता है। कई लोगों के लिए ये धार्मिक उपवास का समय है। लोग इसमें स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। लोग अल्कोहल और कुछ स्पेशल मसालों का परहेज करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए डांस और मस्ती का त्योहार है। डांस में स्पेशली फेमस है गुजरात का गरबा। नवरात्रि नौ देवी की शक्तियों और सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध है। फन फैक्ट, नवरात्रि साल में चार बार आती है और उसे सेलिब्रेट हम दो बार करते हैं। पहला मार्च अप्रैल के मंथ में और दूसरा सितंबर अक्टूबर के मंथ में। नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। नौ दिन में अलग अलग नौ देवियों की पूजा होती है। पहला दिन होता है शैलपुत्री माता का, इन्हें पार्वती माता का अवतार भी मानते हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होती है, ये भी माता पार्वती का अवतार है। तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा होती है। शिव जी से शादी के बाद पार्वती जी ने खुद को अर्धचंद्र से सजाया था। चौथा दिन कुष्मांडा देवी की पूजा होती है, इन्हें ब्रह्मा की रचना शक्ति भी मानते हैं। इन्होंने धरती पर ग्रीनरी को लाया था। पांचवे दिन माता संकटा की पूजा होती है, माता की बदलती हुई ताकत जब उनके बच्चों पर संकट आता है। छठवे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है, जो कि माँ दुर्गा का अवतार है। इन्हें देवियों में सबसे हिंसक रूप माना जाता है। सातवें दिन कालरात्रि माता की पूजा होती है, ये दुर्गा देवी का सबसे क्रूर रूप है। सातवें दिन माता महागौरी की पूजा होती है, ये शांति और इंटेलिजेंस का प्रतीक है। नाइन्थ डे, ये नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है, इन्हें लक्ष्मी देवी के नाम से भी जाना जाता है। फन फैक्ट, आपको पता है एक और स्टोरी है नौ दिनों तक नवरात्रि मनाने की। महिषासुर दुर्गा देवी से शादी करना चाहता था, तो देवी ने एक शर्त रखी थी कि अगर तुम मुझे युद्ध में हरा दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। फिर माता दुर्गा और महिषासुर का नौ दिनों तक युद्ध चला था और दसवें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। ये बात हुई नौ दिन की नौ देवियों के बारे में। तो अब हम जानते हैं अलग अलग रीजन्स में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में नौ दिन की नवरात्रि में पूरा रामायण दिखाया जाता है। इसमें भगवान राम का रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के साथ युद्ध दिखाते हैं और इसका अंत विजयदशमी के दिन होता है। मानव जाति के उद्धार के लिए नवरात्रि में लोग पूजा, यज्ञ, हवन आदि करते हैं। और तो और लोग नौ कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराते हैं और देवी के समान मानकर उन्हें जाते समय कुछ प्रेजेंट देते हैं। वेस्टर्न कल्चर में स्पेशली गुजरात में गरबा और डांडिया रास के रूप में नवरात्रि को मनाया जाता है। इस दिन के लिए लोग ट्रेडिशनल क्लोथ खरीदते हैं, जैसे लड़कियों के लिए आता है चनिया चोली और लड़कों के लिए आता है खेड़िया और पगड़ी। क्या आपको पता है आज ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन में भी फॉलो किया जा रहा है। ईस्टर्न रीजन में ये त्योहार लास्ट 5 डेज में मनाया जाता है। दुर्गा देवी की पूजा के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। शेर शक्ति का प्रतीक है और उनके हाथ के वेपन्स नकारात्मकता को हटाते हैं। आठवें दिन बड़ी धूमधाम से दुर्गा अष्टमी को मनाया जाता है। महिषासुर के वध के रूप में इस दिन को जाना जाता है। और दसवें दिन जिस दिन माता का विसर्जन होता है, उस दिन औरतें माता के साथ सिंदूर खेलती हैं, उसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। साउथ रीजन में नवरात्रि के समय छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती हैं। जरूरी नहीं है कि ये मूर्तियां सिर्फ भगवान की हो, ये मूर्तियां भगवान के साथ रथ, हाथी, घोड़े, खिलौने आदि की होती हैं। इनको रखने के लिए एक सीढ़ी जैसा चरण तैयार किया जाता है। सीढ़ियों की संख्या आप अपने मन से चुन सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि सीढ़ियाँ ऑड नंबर में होनी चाहिए। इस त्योहार को बोमा गोला बोला जाता है, जिसका मतलब होता है गुड़ियों का त्योहार। भले ही इस साल हम इस त्योहार को इतने बड़े स्तर पर नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस त्योहार को नहीं मनाएंगे। हम इस त्योहार को अपने घरों पर सुरक्षित रह के अपने परिवार वालों के साथ राधे खुशी मनाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यही समाप्त हुआ। हेरिटेज भारत। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और भारत से रिलेटेड आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना हेरिटेज भारत।